नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें, तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा, केजेपी पर कैंटर में कंटेनर ने टक्कर मारी, एक की मौत, पांच घायल। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक को नहीं मिलेगी छूट, एशियन गेम्स और विश्व चैंपियनशिप के लिए नहीं होंगे दो ट्रायल्स। छह मौतों से गांव में मातम, खाटू श्याम जाने के लिए निकला था नरेंद्र का परिवार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एक्सीडेंट, हादसे के वक्त गलत दिशा में आ रही थी बस। ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना अवैध, सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका। दिल्ली कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लिया हालात का जायजा, इंडिया गेट के पास धसी सड़क, उफान पर यमुना। दक्षिण दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में अश्लील हरकतें कर रहे थे युवक युवती, टोका तो आग बबूला हुआ लड़का, दोस्तों संग सुरक्षा गार्ड को मार डाला। दिल्ली के वेलकम इलाके में दो मजदूरों की गोली मारकर हत्या, 300 मीटर के फासले पर मिली दोनों की लाश। दिल्ली में दो दिन की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कॉलोनियों में भरा पानी, जल जनित बीमारियों की बड़ी आशंका। बद्रीनाथ में भारी बारिश से कंचनगंगा में भूस्खलन के बाद आया मलबा, सड़क बहने से हाईवे बंद। हरिद्वार में बारिश से शहर हुआ जलमग्न, खतरे के निशान तक पहुंची गंगा। ब्रह्मपुरी में पहाड़ से सड़क पर आया मलबा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें और ऐसी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए पाइनियर हरियाणा के साथ। धन्यवाद।